तो दोस्तों Realme की तरफ से फाइनली मच अवेटेड टीवीज जो थे वो लॉन्च कर दिए गए हैं। पर पर्सनली मेरे को ऐसा लगा था भाई कि इस वाले लॉन्च इवेंट में केवल एक टीवी देखने को मिलेगा हमको 43 इंचेस वाला, लेकिन भाई Realme ने दो टीवी इस वाले इवेंट में लॉन्च किए हैं, 32 इंचेस और 43 इंचेस, दो साइजेस में ये टीवीज देखने को मिलते हैं और प्राइस काफी अच्छे रखे गए हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस है, लेकिन अच्छा प्राइस रखा गया है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से काफी अच्छा प्राइस रखा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 32 इंचेस वाले टीवी का। ये जो टीवी है ये लॉन्च हुआ है 12,999 रुपए के प्राइस में और इसके आसपास का कोई टीवी देखा जाए तो MI की तरफ से MI 4F Pro टीवी आता है जो कि आपको देखने को मिलता है 12,499 रुपए का। तो भाई ऑब्वियस है कि यार कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कि यार Realme का टीवी लिया जाए या MI की टीवी की तरफ जाया जाए। तो इस वीडियो के अंदर करने वाले हम दोनों टीवीज को कंपेयर और देखेंगे दोनों में से कौन सा टीवी है बेटर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई डिस्प्ले क्वालिटी से। यहाँ पर दोनों टीवी के अंदर आपको HD रेडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। रिजोल्यूशन मिलता है 1366x768 पिक्सल्स का। यहाँ पर 32 इंचेस वाली टीवी में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, HD रेडी रिजोल्यूशन मिलता है दोनों टीवी के अंदर। व्यूइंग एंगल्स की बात करेंगे तो दोनों टीवी में आपको 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल मिलता है, यानी कि आप एकदम ऐसे कोने में जाकर भी देखोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा टीवी के अंदर। तो भाई इतना बड़ा व्यूइंग एंगल यहाँ पर दिया गया है दोनों टीवी के अंदर सेम देखने के लिए मिलता है। दोनों टीवी अंदर 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो भाई ये जो सारी चीजें थी ये तो दोनों टीवी के अंदर आपको सेम देखने के लिए मिली है, लेकिन Realme के टीवी के साथ में थोड़े से एडवांटेजेस हैं, जो कि पहला एडवांटेज है कि यहां पर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, यानी यहां पर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ में यहां पर आपको पिक्चर एनहांसमेंट इंजन जो है Realme का Chroma Boost वाला वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कलर थोड़े से पंची निकल के आएंगे, थोड़े से शार्प कलर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल भाई पिक्चर क्वालिटी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो दो चीजें एक्स्ट्रा यहां पर मिल रही है, एक तो HDR10 का सपोर्ट काफी अच्छी बात है, साथ ही में Chroma Boost इंजन देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी भाई मेरे हिसाब से Realme के टीवी के अंदर आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो भाई दूसरी चीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है किसी भी टीवी के अंदर वो होता है उसका साउंड क्वालिटी। यहां पर Realme के टीवी की अगर बात करें तो यहां पर 24 वॉट के स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, 4 स्पीकर यहां पर दिए गए हैं और भाई बजट सेगमेंट के टीवी में 4 स्पीकर आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलते हैं। यहां पर 24 वॉट के क्वाड स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं और उसी के साथ में बात कर ले तो यहां पर डॉल्बी साउंड का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यहां पर साउंड क्वालिटी और एनहांस होकर आएगी। और कुछ इसके जो फीचर्स हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन कोई मूवी देख रहे हैं जहां पर एकदम से भाई बात चल रही है तो आवाज कम होती है और एकदम से सडन आवाज में जंप आ जाता है कि यार बहुत तेज आवाज लगने लग जाती है, फिर सडनली एकदम से स्लो होने लगती है, उस चीज को यहां पर डॉल्बी साउंड मैनेज कर लेता है। यहां पर आपको ऐसे सडन ऊपर नीचे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो साउंड क्वालिटी के मामले में Realme टीवी में काफी अच्छा आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा। MI टीवी की अगर बात करें तो यहां पर आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, 10-10 वॉट के दो स्पीकर मिलते हैं, यानी 20 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिलता है, साथ ही में यहां पर डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलता है आपको। तो भाई सराउंड साउंड के मामले में या साउंड के मामले में अगर बात करें तो अगेन Realme टीवी के अंदर आपको बेटर साउंड देखने के लिए मिलेगा। बात करें भाई दोनों टीवी के OS की तो दोनों ही टीवी एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी है, साथ ही में बात कर ले तो दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड टीवी OS का सपोर्ट मिल जाता है, प्ले स्टोर दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई Xiaomi के टीवी के साथ में एक एडवांटेज ये है कि यहां पर Xiaomi का खुद का डिजाइन किया हुआ पैचुअल UI आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको कुछ अच्छे फीचर्स दे देता है। जैसे मोबाइल में आपको UI वगैरह मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर, तो वहां पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ अच्छे-अच्छे क्विक फीचर्स मिल जाते हैं, वैसे ही पैचुअल के साथ में भी है भाई कि यहां पर आपको कुछ अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। Realme की टीवी में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलेगा, जो एंड्रॉइड टीवी OS है वो स्टॉक वाला देखने के लिए मिलेगा, यहां पर कोई भी UI आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई ये चीज तो भाई अपने-अपने ऊपर डिपेंड करती है कि किसी को पैचुअल पसंद आएगा, किसी को स्टॉक OS पसंद आएगा। पर्सनली मेरे को पैचुअल मैंने यूज किया है इसलिए मेरे को वो ज्यादा पसंद आता है, लेकिन भाई स्टॉक वाले का एक्सपीरियंस भी अलग ही होता है। तो यहां पर भाई OS के मामले में मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा टीवी बेटर है, दोनों टीवी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, Realme की टीवी के अंदर आपको मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला क्वाड कोर CPU, जहां पर 4 कोर आपको मिलते हैं ARM Cortex A53 वाले। GPU की बात करेंगे तो ARM Mali 470MP 3 GPU मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट GPU है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहां पर बात करें Xiaomi के टीवी की तो यहां पर आपको M-Logic की तरफ से आने वाला क्वाड कोर CPU देखने के लिए मिलेगा, जहां पर 4 कोर मिलते हैं आपको A53 वाले। और साथ ही में GPU की बात करेंगे तो ARM Mali 450MP
3GPU मिलता है जो थोड़ा सा पुराना है एज कम्पेयर टू 470GPU। तो यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में भी अगर हम बात करेंगे तो Realme के अंदर आपको बेटर CPU और बेटर GPU देखने के लिए मिल रहा है। CPU बेटर इसलिए भाई MediaTek का जो भरोसा है, M-Logic उतनी बड़ा नाम नहीं है अभी जितना MediaTek है, इसलिए CPU और GPU दोनों के मामले में यहाँ पर Realme TV मेरे हिसाब से बेटर है। RAM एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो दोनों के अंदर आपको 1GB की RAM मिलती है, 8GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है, लेकिन RAM फ्रीक्वेंसी आपको Realme के टीवी में ज्यादा मिलेगी। 2133 MHz की RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको Realme TV के अंदर। वहीं पर MI के टीवी में मेंशन तो नहीं की गई है, लेकिन नियर अबाउट 1800 MHz की यहां पर RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो अगेन Realme के टीवी के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और पोर्ट्स वगैरह की बात करें भाई, तो यहां पर आपको दोनों टीवी के अंदर 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, 2 USB पोर्ट मिलते हैं, 1 Ethernet पोर्ट मिलता है, साथ ही में आपको यहां पर Wi-Fi कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसी के साथ में बात कर ले, यहां पर ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, Realme के टीवी में ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट दिया गया है, Xiaomi टीवी में आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है। यानी ब्लूटूथ 5 में जो लेटेंसी है वो आपको कम देखने के लिए मिलती है, कनेक्टिविटी आपको बेटर मिलेगी, इसलिए भाई ब्लूटूथ सपोर्ट के मामले में भी Realme टीवी बेटर होने वाला है। उसी के साथ में अपन बात कर ले पावर कंजप्शन की, तो यहां पर Realme टीवी के अंदर 45W का आपको इनपुट देना पड़ता है और वहीं पर Xiaomi टीवी 50W के अडैप्टर पर काम करता है, यानी कि 5W का आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन भाई फर्क तो फर्क होता है। यहां पर थोड़ा सा भी अगर कम पावर कंजप्शन हो रहा है तो किसका कुछ जा रहा है भाई, यहां पर बेटर आपको पावर कंजप्शन देखने को मिलता है Realme टीवी के अंदर। तो भाई ये था कंपैरिजन Realme TV का Xiaomi के टीवी से। और भाई दोनों के प्राइस की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, Realme TV मिलता है 12,999 रुपए में, Xiaomi वाला जो टीवी है वो आपको मिल रहा है 12,499 रुपए में, यानी 500 रुपए का फर्क है। लेकिन Realme TV के अंदर सारी चीजें आपको बेटर मिल रही है, डिस्प्ले क्वालिटी आपको Realme में बेटर मिल रही है, साउंड क्वालिटी Realme में बेटर है, परफॉर्मेंस Realme में बेटर है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको Realme TV के अंदर बेटर मिल रही है। हाँ भाई, दोनों टीवी के अंदर आपको वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस कंट्रोल वाला रिमोट आपको देखने के लिए मिल जाता है, सारी OTT एप्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन भाई बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको Realme TV के अंदर बेटर देखने को मिल रही है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर बात करोगे भाई कि अगर 13,000 के आसपास आपका बजट है तो डेफिनेटली आपको Realme TV की तरफ जाना चाहिए। MI 4A Pro की तरफ अब ना जाओ, 500 रुपए ज्यादा दे दो, Realme का टीवी ले लो, वहां पर आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा टीवी बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।